फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिक्षा विद प्रीति। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज शुरू किए थे उसी सीरीज में हम आगे बढ़ के आज डच के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हम पहले पढ़े थे पोर्तुगीज कैसे हमारे देश में आए, कैसे हमारे देश में सेटल हुए, आज उसी सीरीज में हमें आगे बढ़ के डच कैसे हमारे देश में आए उस बारे में सोचेंगे, उस बारे में पढ़ेंगे। क्या डच ने यहाँ पे डच किसे कहा जाता है? हॉलैंड और नीदरलैंड। पहले उसे हॉलैंड कहा जाता था, अभी नीदरलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड के पीपल को हम डच कहते हैं। नीदरलैंड कंट्री की पीपल को हम डच कहते हैं। ओके, डच जो है उनका मेन टारगेट इंडिया कभी था ही नहीं। वो इंडिया इतना ज्यादा इंडिया में इंटरेस्टेड थे नहीं। उनका टारगेट था व्यापार ही करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, ट्रेड की पर्पस ही उनका था। कॉलोनियल की इतना फैन थे नहीं वो। डच का जो मेन टारगेट था वो था इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया और इंडिया का जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट होता है उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बेसिकली हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही रहता है वहाँ। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे मसाले का चास मसाले का जो खेती होती है बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री रहता है, ज़्यादातर बर्फीला एरिया है, यहाँ पे मसाले का कोई एटमोसफियर बनता ही नहीं, मसाले का खेती हो नहीं पाता थे। तो उन लोगों ने ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया पे जो भी कंट्री रहता है वो उनका मसालों के लिए वो उनका हब होता है। तो मसाले का हब है इंडोनेशिया, उनका टारगेट था मसाले हम इंडोनेशिया से लेके हम बेचेंगे, व्यापार करेंगे, मसाले का व्यापार यूरोप में करेंगे। डच का बेसिकली इंटेंशन यही था। नीदरलैंड जो नीदरलैंड की पीपल को हम डच कहते हैं, डच का इंटेंशन यही था। क्या हुआ, डच उस टाइम पे डच का कुछ एरिया स्पेन की अधीन में रहता था। स्पेन के अधीन में रहने से डच के पास इतना सारा मनी था नहीं कि वो आ सके, वो आके एशिया तक पहुंच पाए, क्योंकि उससे पहले पोर्तुगीज ने तो इंडिया से इंडिया के रास्ते डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते थे कि हम इंडोनेशिया तक पहुंचे। इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए उनको एक यूनियन यूनाइट होके एक कंपनी ओपन करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। सब मिलके यूनाइट होके एक कंपनी ईस्ट, उनके ईस्ट पे जाना चाहते थे, इसलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोले, उसी के सहारे वो तैर करके आके इंडोनेशिया पहुंचे, सुमात्रा पहुंचे। इंडोनेशिया में तो उनका बिजनेस अच्छा खासा चला ही, लेकिन वो लोग इंडिया में भी कुछ हद तक सेटल हुए। किस तरह से इंडिया आए, क्या हुआ, वो टॉपिक हम देखेंगे। वो उनका डच का जो नीदरलैंड का जो कंट्री था, वो कंट्री का सरकार नीदरलैंड का जो कंपनी है उसे बहुत सारा बिजनेस का तो क्षमता दिया ही था, उसे उसके अलावा भी बहुत सारा क्षमता दिया था, जैसे कि क्यों वार कर सकता है, कंपनी वार भी कर सकता है। अगर वार करेगा तो फिर ट्रीटी भी होगी, वार के बाद ट्रीटी होता है, ट्रीटी भी कर सकती है, और किसी एरिया अगर उसे कंक्वर करना है उसे भी कर सकती है, कंक्वर भी कर सकती है। इस तरह से ये सारी पावर डच की जो गवर्नमेंट है उन्हें उस कंपनी को दे दी थी। फिर कंपनी ने क्या किया, रास्ता ढूंढना शुरू किया किसको, इंडोनेशिया तक। उनका टारगेट इंडिया था ही नहीं, वो इंडोनेशिया आना चाहते थे। 1596 को कॉर्नेलिस डे हटमैन ने क्या किया, नीदरलैंड से सुमात्रा तक रास्ते का डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। फिर यहाँ से यहाँ तक आना बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से इंडिया तो पास में ही था, इंडिया में भी काला मिर्च की चास
काला मिर्च की खेती होती थी। हम लोगों ने तो पहले से सुना है कि यूरोपियन काला मिर्च का बहुत ज्यादा बड़ा फैन थे, क्योंकि काला मिर्च उनके वहां हो नहीं पाता था, खेती हो नहीं पाता था, तो हमारी एशियन कंट्री से वो व्यापार करते थे। फिर यहाँ तक सुमात्रा तक वो रास्ते निकाले, कौन? हॉटमैन ने रास्ते निकाले, जो कि एक डॉच एक्सप्लोरर थे। उन्होंने रास्ता निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक बिजनेस बहुत ही आसान से आसान तरीके से चलने लगा। फिर क्या हुआ, 1602 में डॉच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ था, 1605 में वो लोग इंडिया पहुंचे। 1605 में उनका इंडिया में डॉच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कंपनी खोली, कहाँ? मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम अभी इस ये जगह का नाम मछलीपट्टनम किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ आता है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम में पहले आके डॉच ईस्ट इंडिया कंपनी खुला गया। फिर वहां से कंपनी का फैक्ट्री, मतलब ये नहीं कि वहां कुछ प्रोड्यूस होता था, कंपनी और फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि वहां से व्यापार जाता था। वहां से अगर सुमात्रा जाना है तो सुमात्रा जाता था, या फिर नीदरलैंड आता था, वहां से सब आना जाना का काम होता था। या ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ प्रोड्यूस होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में पहली बार आके डॉच ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। उसके बाद फिर आए पुलिकेट, यहाँ पे आता है पुलिकेट। फिर इस तरह से और बहुत सारे जगह पे, जैसे कि हमारे ओडिशा से बालासोर, नागापट्टनम उनका सेटलमेंट था, इसी जगह पर उनका सेटलमेंट था। लेकिन पहले आए थे 1605 में मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम में उनका बिजनेस शुरू किया था। कोच्चि, इस तरह से उनका सेटलमेंट रहा इंडिया में। कासिम बाजार, वेस्ट बंगाल, पटना, कासिम बाजार वेस्ट बंगाल, पटना, पटना जो अभी बिहार का राजधानी है, हालांकि उस टाइम पे वो कहाँ था, वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा था। ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार मिलके ही बंगाल प्रदेश बनाते थे। बंगाल सिंगल कुछ भी नहीं था, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार मिलके ही वेस्ट बंगाल प्रदेश बनाते थे। तो ये सब यही सब जगह पर डॉच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन उन लोगों का ट्रेड किस चीज पे ट्रेड चलता था वो अभी हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने सुना है कि ब्रिटिश लोग ज्यादातर व्हाइट पहनते थे, ये भी यूरोपियन थे डॉच, डॉच भी ज्यादातर व्हाइट ही पहनते थे, लेकिन व्हाइट जो पहनते थे उसमें उनको नीला कलर का कलर करना होता था। जब हम आजकल हम सब यूज करते हैं, तब भी इंडिगो की खेती होती थी। इंडिगो उनका मुख्य बिजनेस हुआ करता था उस समय पे। इंडिगो की वो बिजनेस किया करते थे। कहाँ करते थे इंडिगो की खेती? यमुना वैली, यमुना नदी की वैली पे, और सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में भी यमुना भी लगभग सेंट्रल इंडिया में ही आ जाता है, फिर भी सेंट्रल इंडिया से वो इंडिगो की खेती करते थे। दस लोग इंडिगो की बिजनेस करते थे। यहाँ पे इंडिगो की खेती होती थी, तो यहाँ से बिजनेस करते थे। और क्या करते थे? टेक्सटाइल एंड सिल्क की बिजनेस भी होता था। यह ये सब कहाँ होता था? गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि हम सबको पता है गुजरात में जो है, गुजरात यहाँ पे आता है
बिल्कुल महाराष्ट्र को डेक्कन ट्रैप घेर के रखा है, जहाँ पे हमें हम कपास की खेती करते हैं, कपा की खेती करते हैं, और वेस्ट बंगाल पे जूट की खेती होती है। लेकिन वेस्ट बंगाल और गुजरात से उन लोगों ने क्या किया, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल एंड सिल्क की बिजनेस करने लगे। फिर सल्फेट रे एक बारूद होता है जो कि बिहार से खेती करने लगे, बिहार से वो बिजनेस किए सॉल्ट पिट्रे, जो कि एक बारूद होता है वो खेती हुआ बिजनेस में, सॉरी बिहार में, वो बिजनेस बिहार में हुआ। और क्या राइस की भी उन लोगों ने व्यापार किया गंगा वैली में। गंगा वैली में उन लोगों ने राइस का व्यापार किया। उन लोगों का ट्रेड बेसिकली यही था, इंडिगो किया और यमुना वैली सेंट्रल इंडिया से, टेक्सटाइल एंड सिल्क किया गुजरात एंड वेस्ट बंगाल से, सॉल्ट पेट्रे किया बिहार से, राइस किए गंगा वैली से। यही सब बिजनेस यही सब एरिया से उन लोगों ने करते थे, उन लोग करते थे। फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, अगर इतना अच्छा सेटलमेंट था तो उनका डिक्लाइन भी तो हुआ होगा, वरना हम लोगों को तो ब्रिटिश लोगों ने ही शासन किया ना, ब्रिटिश लोग ही हम पर रोक जमाते थे, इतने वर्ष गुलाम बना के रखा। फिर डच का डिक्लाइन कैसे हुआ होगा, डच का डिक्लाइन इस तरह से हुआ कि ब्रिटिश के साथ उनका रिवलरी हो गया, ब्रिटिश के साथ उनका झगड़ा हो गया, कॉम्पिटिशन बिटवीन इंग्लिश एंड डच। जो था यूरोप में बहुत सारा हलचल मच रही थी, तो इंग्लिश ने भी आना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे ना, तब पता अच्छे से समझ पाएंगे इंग्लिश एंड डच। उन लोगों के बाद बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी कि तुम इंडिया पे राज करोगे या हम इंडिया पे राज करेंगे, इसी चक्कर में डच और इंग्लिश के बीच में बहुत सारा झगड़े हो गया था, युद्ध भी हुआ था उन लोगों के बीच 1759 को, बैटल ऑफ बेदर था। बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा कहाँ आता है, बेदारा वेस्ट बंगाल की एक हुगली के पास, हुगली सब सुना होगा, हुगली एक बहुत बड़ा नदी भी है, हुगली के पास कहाँ आता है बेदारा। यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, जिस वार में इंग्लिश जीत गए थे, तो डच को बाहर वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा था, डच को वो एरिया छोड़ना पड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में इंग्लिश ने जीत लिए, ब्रिटिशर्स ने जीत लिए, तो फिर डच का थोड़ा सा कम हो गया। उससे पहले 1663 को क्या हुआ था, डच एंड पोर्तुगीज, उससे पहले पोर्तुगीज आ चुके थे, पोर्तुगीज का अच्छा खासा सेटलमेंट था, लेकिन डच के आने के बाद पोर्तुगीज का सेटलमेंट थोड़ा सा कम हो गया, जो मोनोपोली चलाते थे वो कम हो गया। पोर्तुगीज के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध में पोर्तुगीज हार गए थे, हारने की वजह से डच ने थोड़ा सा जो रोब जमाया था इंग्लिश के आने के बाद उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो उसमें वो हार गए, और बैटल ऑफ बेदारा में तो उनका रोग कम हो गया डच का। उनके बाद तो वो इंडिया से तो चले गए, लेकिन क्या हुआ 1668 में वो 1668 में वो श्रीलंका ले गए, श्रीलंका को वो कॉन्क्योर कर लिए, हालांकि श्रीलंका का नाम तब श्रीलंका था ही नहीं, तब था सिलम, इस तरह से वो श्रीलंका को जीत लिए। फिर इंडिया से तो उनका पत्ता कट गया, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स अपना मनमर्जी चलाने लगे, लेकिन इंडिया से तो कट गया, लेकिन इंडोनेशिया में वो बहुत दिन तक यहाँ पे व्यापार करते रहे। लेकिन उनका पहले से टारगेट भी तो इंडोनेशिया ही था, इंडिया में थोड़ा सा
बिजनेस चलाते थे, लेकिन फिर वो इंडोनेशिया में ही उनका मोनोपोली, उनका मेंटेनेंस चलता रहा और बिजनेस चलता रहा। इंडिया से उनकी पता कट गई ब्रिटिश के आने के बाद। अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आप लोगों का डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।